संजीव भाई, वी हैव बेसिकली डन, वी हैव जो भी हमारा ऑपरेशंस का, सेल्स का और अकाउंट्स के हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे, तो हमने क्या कर दिया, जैसे आपका CBXIT का लिंक है वैसे ही हमने ऑपरेशंस का एक पैनल बना दिया, सेल्स का बना दिया, अकाउंट्स का बना दिया है। तो द सेल्स कोऑर्डिनेटर इज वर्किंग ओनली ऑन दोज 5, 7, 10 शीट्स विच आर ऑन हर पैनल। द ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर इज वर्किंग ओनली ऑन द 10 शीट्स ऑन हर पैनल एंड द अकाउंट्स पर्सन इज वर्किंग ऑन 10 शीट्स ऑफ हर पैनल। तो वो तो मतलब एकदम सिंप्लीफायर क्लियर हो गया है कि इसने किस शीट्स पे काम करना है, बिकॉज शुरू में शीट्स और लिंक्स बहुत सारे हो गए थे, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो गई थी दैट दे वर गेटिंग कन्फ्यूज इन द शीट्स एंड एवरीथिंग। सो वी जस्ट मेड अ पैनल फॉर ईच ऑफ देम, सो दैट इज मेड इट वेरी क्लियर। अब इसको अब हमने क्या कर दिया है दैट ऑल ऑफ आर सेल्स टीम्स, अब वी हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स ऑन द टैबलेट। फिर हम साइट पर जाते हैं तो साइट के सारे डायमेंशन हम टैबलेट पे एंटर करते हैं एंड वो हमारे फिर सेल्स को एक पॉपअप नोटिफिकेशन चला जाता है। बेस्ड ऑन दैट आई थिंक विद इन अबाउट, जैसे ही एंट्रीज होती है हमारे साइट की डिटेल्स की, विद इन अबाउट 2-3 मिनट्स वी आर एबल टू सेंड द कोटेशन। तो दैट हैज रियली चेंज्ड, मतलब अब हमको ये हो गया है कि एनी वेयर इन द वर्ल्ड इफ वी हैव समबडी हु इज ट्रेंड ऑन आर सिस्टम, तो वो मतलब चेन्नई में बैठे बैठे यहाँ से वहां से हमको ऑर्डर प्लेस कर देता है या फिर हमको एटलीस्ट कोटेशन भेज देता है एंड विद इन अबाउट 2 to 3 मिनट्स दे आर द पर्सन इज एबल टू गेट अ कोटेशन ऑन हिज व्हाट्सएप। तो उससे स्पीड बहुत बढ़ गई है एंड अभी भी हम थोड़ा सा टैबलेट के यूज टू हो रहे हैं, काफी ऑलरेडी चेंजेस कर दी हैं। आई थिंक नाउ इट्स जस्ट दैट वी हैव टू इंटीग्रेट एंड फिनिश इट विद द एंटायर FMS। तो अभी हम इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब द सेल्स कोऑर्डिनेटर, ऑपरेशंस कोऑर्डिनेटर, अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर, दे नो व्हाट दे हैव टू डू, ऑन व्हाट शीट्स दे हैव टू वर्क एंड नाउ द ऑर्डर इज नाउ कमिंग टू द सेल्स कोऑर्डिनेटर थ्रू द सिस्टम एंड विद इन अबाउट मे बी मिनट टू 2 मिनट टू 3 मिनट दे आर एबल टू सेंड कोटेशंस। तो वो सेल्स पर्सन के लिए बहुत ईजी हो गया है, मेरे लिए भी थोड़ा ईजी हो गया है दैट मतलब यूजली कहते हैं कि सर आपको कोटेशन 2 दिन में देंगे, 3 दिन में देंगे, 1 दिन में देंगे। यहाँ पे तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं, जब तक कस्टमर से बात कर रहे होते हैं टिंग करके उसके व्हाट्सएप पे उसको कोटेशन आ जाता है। तो दैट इज मतलब वो मतलब सम पीपल फाइंड इट साइकी कि यार ये आप जेन्युइन कोटेशन दे भी रहे हो कि आप क्या बना के भेजी जा रहे हो उसको। तो That's really, really amazing. बहुत ही amazing. Wow. तो पवित, पहले मुझे ध्यान है कि जब आप आए थे, आपने कोर्स ज्वाइन किया था, तब आपका आस्क ये था कि मेरे को भी काफी टाइम लग जाता है, 2-3 दिन लग जाते हैं, राइट? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज एवरीथिंग वाज मैनुअल एंड उसके अंदर, मैनुअल के अंदर भी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम साइट पे कुछ लिख रहे थे तो मतलब कुछ डिटेल्स ले रहे थे तो वो बार बार रिपीट हो रहा था। मतलब पहले वो ऑफिस में आ रहा था, फिर वो वापस टाइप हो रहा था, कई बार टाइपिंग में एरर हो रहा है, कई बार बोलने में एरर हो रहा है, कई बार पढ़ने में एरर हो रहा है। तो अब हमको सिर्फ एक ही पॉइंट कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर साइट पे एंट्री प्रॉपर हो रही है, मतलब अगर वो इफ द इनपुट इज करेक्ट देन द आउटपुट हैज टू बी करेक्ट एंड ऑल दैट प्रोसेसिंग टेक्स लेस देन मे बी अबाउट 2 to 3 मिनट्स टॉप्स। तो जब तक कस्टमर, जब तक सेल्स पर्सन या मैं खुद ही कई बार कस्टमर से बात कर रहा होता हूँ एंड हमने वी हैव गॉटन रिड ऑफ लैपटॉप्स नाउ, मतलब मैं सोचा मैंने लैपटॉप ये भी खरीद लिया टैबलेट पे ही, मतलब इट बिकम्स इजी टू शो टू द कस्टमर द प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंटेशन भी उस पर दिखा दिया, वीडियो भी उस पर दिखा दिया, उसी पे ऑर्डर भी इनपुट कर दिया। तो वी आर नाउ जस्ट वर्क रिफाइनिंग ऑन आवर ब्रांडिंग एक्सेट्रा कि हाउ ऑन द टैबलेट वी कैन मैनेज द इंटायर बिजनेस, मतलब ऑर्डर ऑर्डर का इनपुट से लेके जॉब ऑर्डर फॉर्म से लेके प्रेजेंटेशन से लेके सब कुछ टैबलेट पे हो जाए। जो इनपुट्स हमारे होते हैं ना वो साइट पे होते हैं, मतलब साइट पे फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्लास का डायमेंशन है या कोई साइजेस हैं, अगर वो ही ठीक नहीं है तो फिर उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर एक बार डायमेंशन का इनपुट ठीक हो गया तो देन विद इन फ्यू मिनट्स, लाइक 2 या 3 मिनट के अंदर उसका कोटेशन ठीक आ रहा था। तो हम यही कहते हैं कि अब आपको सिर्फ इसी पे फोकस करना है कि साइट पे जो आप इनपुट्स कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, अदर देन दैट उसी पे साइट का पूरा एक वॉक थ्रू बन जाता है, उसका वीडियो बन जाता है, साइट के फोटोग्राफ्स आ जाते हैं, साइट का लोकेशन आ जाता है। तो बार बार ऐसा नहीं हो रहा होता कि कोई व्हाट्सएप पे लोकेशन मांग रहा है, कोई कह रहा है अच्छा कहाँ जाना है, किधर जाना है। लॉट ऑफ यूजलेस कोऑर्डिनेशन हैज बीन सॉर्टेड आउट। अदरवाइज कई बार ऑपरेशंस टीम सेल्स पर्सन को फोन करते हैं कि सर कहाँ पे जाना है, कई बार कस्टमर को फोन करते हैं कि सर कहाँ आना है, फिर कस्टमर कहते हैं कि यार आप ऑलरेडी साइट पे विजिट कर तो चुके हो, फिर आप बार बार क्यों पूछ रहे हो।
तो नाउ सिंस ऑल ऑफ दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द गूगल फॉर्म, साइट का वॉक थ्रू, साइट के फोटोग्राफ, साइट का लोकेशन, साइट का एड्रेस, कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर, साइट के डायमेंशंस, एवरीथिंग, तो बहुत बड़ा एक रोड ब्लॉक हमारे लिए सॉर्ट आउट हो गया है। तो नाउ वी आर कॉन्फिडेंट कि अगर एक अननोन पर्सन भी, हमारा एक डीलर भी साइट पे जाके हमें ये फॉर्म भर के दे देता है, तो देन नाउ कंपनी इज इन फुल कंट्रोल ऑफ ऑल द डेटा दे नीड, कोई फोन पे, कोई कोऑर्डिनेशन, किसी चीज की आपको जरूरत नहीं Great. Thank you so much for sharing this, Pavit. And I'm sure once he gives a demo to all of us, everyone would be amazed कि क्या अमेजिंग चीज़ है. और यही सेम चीज़ सब फिर हम सभी लोग हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. है। हाँ श्योर सर, श्योर श्योर श्योर, एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर सपोर्ट संजीव भाई। आई थिंक आई एम डूइंग दिस सेकंड टाइम, एंड फाइनली योर टीम हैज आल्सो गॉटन अस अ गुड गुड डीएमई एंड गॉट दिस इम्प्लीमेंटेड, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर टीम। आई मीन कुडोस टू ऑल ऑफ एंड देम। लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम पवित साइड ऑल्सो. पवित कई बार मेरे ऑफिस बैठा होता है मेरी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ में. गुड, कुडोस टू यू ऑल्सो. ग्रेट.